हाँ चुनरी, तुम बल्कि जाके तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। मारी मांग पहले से ही भरी हुई है कुमार सर, इसमें किसी और के सिंदूर बनने की जगह ना है। कम ऑन चुनरी, बकवास बंद करो अपनी। कैसा है ये तुम्हारा देवता? कभी इसने अपने हाथों से तुम्हारी मांग भरी है? कभी तुम्हारी परवाह, कभी तुम्हारे दुख सुख में शामिल हुआ है? अरे कभी पति धर्म भी निभाया है इसने? चुनरी मैं तो कहता हूं कि ये तुम्हारा देवता ना पति परमेश्वर नहीं राक्षस है जो कि तुम्हें धोखा दे रहा है। मारे देवता को कुछ ना कहिए कुंवर साहब। मारी प्रीत मीरा सी साची प्रीत है, एक तरफा है, जिसने कभी मोहन से अपनी प्रीत का सौदा ना किया, कभी कुछ ना मांगा, वो मारे से प्रीत करे ना करे, मैं करूं, वो सुख दुख बांटे ना बांटे, पर मैं उनके सुख में मुस्कुराऊं, मैं उनके दुख में आंसू बहाऊं। मारी प्रीत एक तरफा है, जिस पर उनका भी अधिकार ना है, कि मारी है, सिर्फ मारी। तुम मुझे अपना क्या मानती हो ये मैं नहीं जानता, पर इंसानियत के लिए सही मैं तुम्हें ये बकवास सी रीत में बर्बाद नहीं होने दे सकता। कब तक दहेज दासी बनके हवेली में सबके अत्याचार सहती रहोगी चुनरी? तुम्हारी शादी होगी, मैं करवाऊंगा वो शादी। तुम मानी तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी खुशी के लिए जबरदस्ती से। नमस्ते, मैं चुनरी। हमारी आगे की कहानी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और देखिए हमारा शो दहेज दासी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ नजारा टीवी पर।